ईबीएम की मशीन दिखाई तो होली जला देंगे सब ईबीएम की और जनता से बड़ी ताकत नहीं पूरे हिंदुस्तान को गोली मरवा दोगे 140 करोड़ जनता को तो ऐसा मत करो इस देश की सेना या कोई भी बकावत कर जाए जनता श्रीलंका मत बनने दो नहीं तो संघ के मुट्ठी भर को जनता पीस के पी जाएगी छुट्टा पशु घूम रहेगा अगर तो छोटा सा बछड़ा है तो उसे लोग गांव वाले बोलना है योगी और मोटा तगड़ा है उसे बोलना है मोदी तो जिसका गुरु इतना पवित्र आत्मा हो पूर्ण आत्मा हो तो उसका शिष्य तो उनसे भी ज्यादा होगा जब बीजेपी में बलात्कारियों की संख्या बढ़ गई है अगर भारतीय जन, 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 जनता पार्टी का नाम भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी रख दिया जाए तो इसमें कोई अच्छोक्ति नहीं होना चाहिए रखना चाहिए नमस्कार मैं नूरझा और आप देख रहे हैं जनित आवाज लोकसभा चुनाव से पहले जो मोदी जी ने गारंटियां दी थी अपनी वो गारंटी कितनी सफल हुई है। यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं डबल इंजन से डबल विकास हुआ है हमने शौचालय बनवा दिए लोगों को राशन दे दिए हैं फ्री राशन दिए हैं कितना फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है चौबीस से पहले हम जान लेते हैं सर क्या कहेंगे क्या लग रहा है डबल इंजन का डबल विकास हुआ है कि नहीं हुआ इस देश की जनता जब जान लीजिए भूखमरी के कागार पे पहुंच गई है और लखनऊ और तमाम जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार आज के डेट में देश के गरीब मज़दूरों को इसराइल जहाँ पे मिसाइल से हमले हो रहे हैं और तमाम तरह की वहाँ पे प्रदूषित हो चुकी है हवाएं वहाँ की जनता का दम खुदा घुट रहा तो यहाँ की जनता को भेज रहे हैं अभी चित्रा त्रिपाठी की आज तक चैनल पर चित्रा त्रिपाठी ने इंटरव्यू लिया तो बोला कि आप लोग क्यों कहा भाई यहाँ भी भूखे मरना हो रहा है और वहाँ भी चांस ले रहे हैं यहाँ मरे हैं वहाँ मरे तो इससे विकास तो समझ में आ ही गया कि कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में बलात्कार का विकास हो रहा है मर्डर का विकास हो रहा है भाजपा के बलात्कारी खुलेआम सांड के माफी घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है महिलाओं के लिए क्योंकि वहाँ पे जो योगी जी हैं सबसे सुरक्षित रख रहे हैं महिलाओं को आ, हमारे वहाँ गांव में छोटा पशु घूम रहे हैं गाय भैंस बैल तो अगर छोटा सा बछड़ा है तो उसे लोग गांव वाले बोलना है योगी या मोटा तगड़ा है उसे बोलना है मोदी बी में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की का यौन शोषण हुआ था भाजपा तीन आईटी सेल के तमाम जो है प्रतापी बहादुर बुलेट पे से घुस करके अपना जो है पकड़ करके और बनारस की पुलिस को एक हफ्ते में क्लियर कर ली थी गिरफ्तार करने में साठ दिन लग गए थे चूंकि वो बीजी थे वहां पे किसी का मोदी के साथ फोटो है तो किसी का स्मृति रानी के साथ फोटो है वह जो कंवारी मानती हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि राहुल गांधी उन्हीं को फ्लाइंग देते हैं है हाँ। बेचारी आप बता दीजिए कि देश की महिलाओं ने कह दिया साफ शब्दों में कहा है कि ये बताइए लेकिन तो वो अभी किसी भी महिला को ऐसे फ्लाइंग किस देना कहाँ तक सही है कहाँ किस दिए हेमा मालिनी को नहीं दिखाई दिया जो ड्रीम गर्ल रही हैं ड्रीम गर्ल का मतलब समझती हूँ स्वप्न सुंदरी रही हैं तो उनको तो नहीं दे रहे हैं और वहाँ तमाम तारिकाएं हैं लोग उनको तो नहीं दे रहे हैं इन्हीं को दिखाई देता है कौन फैला रहा है ये सब स्मृति रानी नूतन बवाल नहीं चला था पार्लियामेंट में हाँ अब रही बात दूसरी उस सिलेंडर पर बैठ करके वो वीरंगना जो सिलेंडर रानी के नाम से मशहूर हो गई थी अब सिलेंडर उन्डर भूल गई हैं तो उत्तर प्रदेश तो बड़ा सेफ जगह है बी एच यू में लड़की का यौन शोषण भाजपाइयों ने किया तो भाजपा और जनसंघ को तो इतनी छूट होनी चाहिए कि देश में किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार करता योगी जी का बुलडोजर तो तैयार है नहीं बलात्कारी के घर अगर भाजपा ही तो बलात्कार उनको है? थोड़ी ना पता था कि जो हमारे यहाँ आईटी सेल में काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे निकल जाएंगे अच्छा मतलब भाई लौंडा जब इस टाइप का है तो जैब करेगा चिम्यानंद को नहीं पता था कि इस देश का गृह राज्य मंत्री ही रहा है और तेल मालिश करा रहा है अट्ठारह साल की लड़की से आशाराम के शिष्य नरेंद्र मोदी है ना मंच से कहा था कि हमारे गुरुदेव हैं और आसाराम ने कहा कि हमारा इस सबसे प्रिय शिष्य है आसाराम बलात्कार है मैं यौन शोषण है मैं आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं तो जिसका गुरु इतना पवित्र आत्मा हो पूर्ण आत्मा हो तो उसका शिष्य तो उनसे भी ज्यादा होगा हमारी भाषा में कहावत है गुर, गुरु वे रह गए चेला हो चीनी हो गए यानी चीनी गुड़ और चीनी में अंतर होता तो जब इनके आका ही उस टाइप के हैं मुझे बताइए कि जब हाई जितने है वो राम भद्राचार्यवा अयोध्या में बैठा हुआ है तुलसी धाम का तुलसी आश्रम मठ का अपने आप को मठाधीश कथावाचक बताता है कौन सा कर्म किया था कि ऐसा कुकर्म किया था कि ईश्वर इसको अंधा पैदा किया आ, फिर आ, भी आप देखिए भक्त कितने हैं उनके फॉलोवर्स देखिए इंस्टाग्राम पे आसाराम के भी भक्त थे बहुत एक हमारे विधायक जी थे वो गए थे गोवा में जो है आई, क्या बोलते हैं हम समुद्र के किनारे टहलने में किसी को धक्का लग गया वो नहीं घूमते हैं सब लड़की लड़का तो धक्का लग गया था तो बेचारे इनको पर मुकदमा हो गया गिरफ्तारी हुई जमानत हुई छूट के आए तो हमने कहा बाबू साहब ये बताइए कि आपको ठाकुराइन ने जूता चप्पल से या झाड़ू ऊड़ू से स्वागत नहीं किया कहा का स्वागत करेंगे गरमा बार तो आसाराम का शिष्य था आसाराम उधर जेल गए घटियाही में हम अपना गाजा साथ सत्या आगे घर में तो रोना पीटना पड़ा था तो हमारा उसी में छुप गया तो ये बताइए जब बीजेपी में बलात्कारियों की संख्या बढ़ गई है तो अब योगी जी क्या करेंगे योगी जी गोरखेपुर के हैं वो भी पवित्र आत्मा है जिन लोगों का वो विरोध करते थे अब वही लोग उनके साथ में हैं तो बताइए योगी जी क्या करें अब मुख्यमंत्री रहना है तो हम मिलाना है झूठ पे झूठ बोलना है मतलब ये कह सकते हैं जो हमारी जो ये भाजपा सरकार जो सत्ता में बैठी सरकार है मतलब इनके सरकार में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं क्योंकि इन्हीं के सरकार में जो लोग आते हैं वही रेप करते हैं गैंग रेप के मामले सामने आते हैं जी आप बिल्कुल आपने सही समझा अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी रख दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए रखना चाहिए सबसे ज्यादा सं, इनकी संख्या है अभी सोशलिस्टों को जेल में बंद कर दीजिए पच्चीस सोशलिस्टों की में बंद कर दीजिए सेकुलर विचारधारा वालों को तो पता चलेगा आपस में सर कर लेंगे असंग को दस बीस को अगर एक रूम में बंद कर दीजिए तो पैजामा गीले मिलेंगे तो आप समझ लीजिए तो इतना सब जनता अगर नाराज है तो वो ऐसे दावे क्यों करते हैं भाजपा सरकार की हम इस बार 400 पार लाएंगे पहले ही लिख दिया है जगह जगह पोस्टर लगवा दिए हैं और दीवालों पे लिखा मिलेगा कि अब की बार 400 पार देखिए दरअसल इस देश की जनता मूर्ख नहीं है ये ध्यान से दिमाग से नहीं और इस देश की जनता जब ब्रितानिया गवर्नमेंट के पीछे पड़ी सात सम उठा के पार फेंक दिया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ई के सहारे घोटाले की वजह से आप ये सब करना चाहते हैं तो ये भूल जाइए कि गांव में रूरल एरिया में ईवीएम की मशीन दिखाई तो होली जला देंगे सब ई की और जनता से बड़ी ताकत नहीं पूरे हिंदुस्तान को गोली मरवा दोगे 140 तो करोड़ जनता को जो मलट्री या पुलिस वाले हैं वो भी किसी न किसी ग्रामीण अंचल से आते हैं तो ऐसा ना करो कि उन्नीस में इकहत्तर बहत्तर में जिस तरह से पी ने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिया था चौरासी में पंजाब सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ तो ऐसा मत करो कि इस देश की सेना या कोई भी बगावत कर जाए जनता श्रीलंका मत बनने दो नहीं तो संघ के मुट्ठी भर को जनता पीस के पी जाएगी लेकिन अभी भी जनता में इतने सारे मिल जाएंगे जिन्हें अंधभक्त कहते हैं की मोदी के भक्त हो गए हैं तो वो लोग तो देते ही होंगे ना वोट देखिए ऐसा है ऊँट को रेलगाड़ी में बैठाना अंधभक्त को समझाना दोनों नामुमकिन है ऊँट को रेलगाड़ी में बैठा पाएंगे नहीं बैठेगा अगर तो जन रेलगाड़ी से ऊपर हो जाएगा तो कहाँ रूम बैठ पाएगा अंधभक्त को आप समझाइएगा समझेंगे नहीं हुँ। ना हूँ हनुमान जी का रोल अदा कर रहा था भिवानी में पता नहीं पीछे से किसी ने लात मारा वो गिरा मर गया और डॉक्टर कह रहे हार्ट अटैक हुआ हमारे ख्याल कम उम्र थी अमेठी में नौ लोग उसी दिन झुलस के मर गए और झुलस गए मरे और नहीं, क्या क्या नहीं, मरे नहीं है हमारे ख्याल तो इन सब का कारण बीजेपी है क्या सबका कारण जो वहां पे गलत मुहूर्त में अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का जो है आपने प्राण प्रतिष्ठा किया उद्घाटन किया और जिस पार्टी में का सर्वोपरि जिसके पर अब फूल फेंक रहे हैं भविष्य में उसके पर फूल फेंका फेंकना भी नहीं पड़ेगा उस गला कहीं मिलेगा राम भद्राचरवा दलित विरोधी हो गया है और दलित विरोधी के साथ साथ इतना बड़ा गिरा हुआ नीच आदमी है भद्राचरवा की चतुर्वेदी द्विवेदी ओझा पांडे उपाध्याय कह रहा ये ब्राह्मण नहीं है अरे बणशंकर तू किस कौम का ब्राह्मण है बता भ्रष्ट चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं है अंधे तेरा अगला जन्म भी खराब होगा आ इसका एक भतीजा है इसका उत्तराधिकारी वो कुकर में फंसा था पंद्रह दिन पहले समझौता हुआ एफ आई आर की कापी मंगा ली जाएगी जान लीजिएगा और उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दिखाना के बहुत-बहुत शुक्रिया तो मतलब 2024 से पहले अब साफ तौर पर आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे किस तरीके से जो मोदी की गारंटी जो 100% शत बताते हैं कि सच है कि गारंटी पक्की है वो आपको देखने को मिल गया होगा कितनी सच है और कितना झूठ है और जिस तरीके से वो लगातार 400 पार बोल रहे हैं इसमें तो ईवीएम को लेके सवाल खड़े होते ही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो खुद अब सामने आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि कैसे ईवीएम हैक होता है बाकी आपकी इस पे क्या राय है इस पूरी बातचीत पर भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरझां